बस्मिल्मा एक्सरसाइज थ्री पॉइंट थ्री का क्वेश्चन नंबर थ्री है फाइंड द एंगल्स बिटवीन द वेक्टर्स आई माइनस जे प्लस के माइनस आई प्लस जे प्लस टू के दो वेक्टर हमें गिवन है हमें इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि एंगल फाइंड करना है कि इन दो वेक्टर के दरमियान एंगल क्या बन रहा है लेट कर लेते हैं कि जो फर्स्ट वैक्टर है आई माइनस ए प्लस के वो एक ही इक्वल है और सेकंड वेक्टर माइनस आई प्लस जे प्लस टू के ये बी वेक्टर के इक्वल है और लेट कर लेते हैं थीटा जो है इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी ए और बी के दरमियान जो एंगल बन रहा है वो थीटा है तो डार्ट का हमें पता है ए डार्ट बी जो होते हैं वो ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कास थीटा होते है तो थीटा को इधर ही रख लेते हैं ये दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएंगे तो काल थीटा किसकी आ जाएगा ए ए वेक्टर मल्टीप्लाई बाय डॉट बी वेक्टर डिवाइड बाय ए मैग्नीट्यूड और बी मैग्नीट्यूड ए वेक्टर भी गेवन है बी वेक्टर भी गेवन है ए मैग्नीट्यूड गेवन नहीं और बी मैग्नीट्यूड गेवन नहीं है तो पहले हम ए डॉट बी फाइंड कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा ए डॉट बी आई माइनस ए प्लस के माइनस आई प्लस प्लस टू के डॉट प्रोडक्ट का हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी देखे तो क्या होता है आई कंपोनेंट आई के साथ मल्टीप्लाई होते जे कंपोनेंट जे के साथ के कम्पलेंट के साथ और आई डॉट जे आई डाट के जे डॉट आई जे डाट के के डॉट आई और के डॉट जे ये सब ज़ीरो होते हैं तो अब आई कंपोनेंट आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो वन मल्टीप्लाई बाई माइनस वन आई आई आ जाएगा इसी तरह माइनस वन मल्टीप्लाई बाई प्लस वन जे डॉट जे प्लस वन मल्टीप्लाई बाई टू के डॉट के तो क्या हो जाएगा वन को माइनस वन से मल्टीप्लाई करके माइनस वन आ जाएगा माइनस वन मल्टीप्लाई बाई वन माइनस वन वन मल्टीप्लाई बाई टू टू हो जाएगा और साथ में आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के वन के इक्वल होते हैं तो इधर से माइनस वन माइनस वन माइनस टू प्लस टू ज़ीरो हो जाएगा अब नेक्स्ट एम एग्नीचूट फाइंड कर लेते हैं एम एग्नीचूट क्या हो जाएगा आई कम्पोन का स्केयर प्लस जे कंपोन का स्केयर प्लस तो के कम्पोन का स्केयर तो आई कम्पोन क्या है वन जे क्या है माइनस वन के साथ क्या है कोफिशेंट वन तो क्या हो जाएगा वन का स्केयर प्लस माइनस वन का स्केयर प्लस वन का स्केयर और स्केयर तो वन का स्केयर वन माइनस वन का स्केयर वो भी वन वन का स्केयर वो भी वन और स्केयरूट थ्री आ जाएगा इसी तरह बी मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा आई को के, के कोफिशियंट को का स्केयर प्लस जे के कोफिशियंट का स्केयर प्लस के कोफिशेंट का स्केयर आई का कोफिशियंट क्या है माइनस वन माइनस वन का स्केयर हो जाएगा प्लस जे का कोफिशियंट क्या है वन वन का स्केयर प्लस J के का क्या है टू है टू का स्केयर और इसकेयर रूट आ जाएगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस वन का स्केयर वन आ जाएगा वन का स्केयर वो भी वन हो जाएगा टू का स्केयर फोर हो जाएगा तो ये स्केयर रूट सिक्स आ जाएगा अब तीनों वैल्यू पोट कर दी हैं सिक्विशन में तो क्या हो जाएगा ए डॉट बी तो जीरो है जीरो डिवाइडेड बाय स्केयर रूट थ्री और स्केयर रूट सिक्स ज़ीरो डिवाइडेड बाय एनीथिंग आंसर क्या हो जाता है जीरो तो काज थीटा की वैल्यू क्या आ गई ज़ीरो आ गई अब थीटा को अगर फाइंड करें काज इनवर्स इधर मल्टीप्लाई हो रहा था ये था काज इनवर्स दूसरी तरफ जाएगा क्या हो जाएगा डिवाइड होते हैं डिवाइड को ऊपर लेके जाएंगे तो काज इनवर्स हो जाएगा काज इनवर्स ऑफ ज़ीरो अब थीटा जो हमारे पास आया है अब हम जब भी हमारे पास कोई भी इस तरह का इनवर्स फंक्शन हो उसके अंदर जो वैल्यू लिखी होती है हमने ये देखना होता है कि वो वैल्यू किस पॉइंट की या किस एंगल पर हमें मिलती है तो हमें पता है जो ज़ीरो हमें मिलता है काज के जब एंगल हो तो काज नाइन्टी पे हमें ज़ीरो देते हैं तो इट्स मीन जो हमारे पास एंगल बना है वो कौन से नाइन्टी डिग्री है तो थीटे की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से नाइन्टी डिग्री ये हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट था हमने थीटा की वैल्यू फाइंड करनी थी